सीतामढ़ी में भाजपा किसान मोर्चे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। भाजपा किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की कमलनाथ सरकार और मंदसौर जिला प्रशासन की लापरवाही से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कोचरियाखेड़ी और सुरखेड़ा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इन दोनों गांव के करीब 200 परिवारों की पिछली रबी सीजन के दौरान हुई ओलावृष्टि और शीतलहर से फसलों का भारी नुकसान हुआ था। प्रशासन के राजस्व रिकॉर्ड में भी ग्राम कोचरियाखेड़ी में 70% और सुरखेड़ा में 7% फसल नुकसान दर्ज है। फसल की नुकसान की घटना को करीब 4 माह बीत गए हैं, लेकिन किसानों की बार बार गुहार के बावजूद न सरकार और न ही प्रशासन ने किसानों के फसल का मुआवजा संबंधी कोई सुनवाई की है। ऐसे में अब आंदोलन की राह उन्हें पकड़ना पड़ रही है। यानी कि पटवारी की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही रही है, किसानों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करे? पटवारी को आपने निलंबित कर दिया, केवल एक पटवारी को निलंबित किया है, लेकिन हमने मांग की है कि पुनः आकलन करवाया जाए और जो वास्तव में नुकसान हुआ है, 50 गाँव के लोग हैं यहाँ पर। मैंने तो यही कहा था कि आज ही आप इनसे स्टेटमेंट बयान ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, हम गांव-गांव जाकर के बयान लेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है पूरी तरह से कि ये पूरी स्पष्ट ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और अगर कहीं के प्रशासन दोषी पाया गया तो हम पुनः सर्वे आकलन करके प्रशासन को भेजेंगे। किसानों ने धरना दिया, भूख हड़ताल थी। भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल के बाद करके शासन को चेतावनी दी। सबकी जानकारी तो है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ओले गिरे और ओले गिरे तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो बाकी जगहों का मुआवजा उन्होंने दिया। दो गाँव उन्होंने छोड़ दिया, कोचरियाखेड़ी और सुरखेड़ा, और दोनों के पास के आसपास के सब लोगों को उन्होंने मुआवजा दिया। जबकि जो सूची बनी है, जिनका आकलन किया, जो सर्वे किया, उस सर्वे रिपोर्ट में भी आकलन में उन दोनों गांव पात्र है, पर कहीं ना कहीं किसी तरह शासन के दबाव में गलत करके और पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दी, तो उसके कारण शासन ने किसानों को मुआवजे से वंचित करके किसानों में बड़ा आक्रोश था, क्योंकि आसपास सब मिले हैं और उनके यहाँ भारी नुकसान हुआ और भारी नुकसान का मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, पर किसान को नुकसान मुआवजा मिला नहीं और वो इस आक्रोश को लेकर किसान बहुत परेशान था और किसान ने कहा अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव किसान ने दोनों गाँवों में चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न सरकार के खिलाफ नहीं, उनका हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था कोचरियाखेड़ी और सुरखेड़ा वालों को, उन्होंने आवेदन भी दिया था, उनका सर्वे भी हुआ, कहीं ना कहीं पटवारी की रिपोर्ट में जो गड़बड़ हुई है और उनको जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया, उसके वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ मैं भी हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और मैं भी चाहूँगा कि उनको न्याय मिले और उसकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं।